देखिए फ्रेंड्स, एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारा पेपर वन का ही है। सिंपल है, वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है बेस्ट वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है इन चार चीजों के लिए। आपको क्या दे दिया? पीकॉक दे दिया गया, इंसर्ट दे दिया गया आपको, बर्ड्स दे दिया गया, और एक्सटेंट स्पीसीज दे दी गई, यानी कि विलुप्त प्रजाति। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, अगर हम बात करें पीकॉक की बात करें हम या इंसर्ट की बात करें, पहली बात तो पीकॉक इंसर्ट नहीं होता, इंसर्ट पीकॉक नहीं होता, ये आपस में क्या होती है, अलग अलग ही है। तो इनको अगर मैं डायग्राम से बनाऊं तो ये आपका इंसर्ट हो गया, आई से रिप्रेजेंट कर दिया, और बर्ड्स को मैंने, सॉरी पीकॉक को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये पीकॉक आ गया। ठीक है, अब दूसरी बात कि पीकॉक है वो किसके अंदर आता, बर्ड्स आता है। ठीक है, पीकॉक किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, बर्ड्स के अंदर, ये आपका बर्ड्स हो गया जी। ठीक है, अब कुछ ऐसी प्रजातियां है, स्पीसीज है जो विलुप्त हो गई है, वो इंसर्ट भी हो सकती है, वो बर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये जो अच्छा जो विलुप्त प्रजाति है, स्पीसीज है, वो क्या है, कुछ आपके इंसर्ट होंगे, कुछ आपके बर्ड्स होंगे, यानी कुछ कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, इनको लेंगे तो इनका इंटरसेक्शन करवा दिया, ये आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। क्या कह देंगे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो पहला है ये हमारा बिल्कुल सही है।